मेळघाटातील आदिवासी व इतर शेतकऱ्यांकरिता बाजार भावापेक्षा जास्त भाव मिळावे याकरिता आदिवासी विकास महामंडळ धारणीचे कार्यालय सुरू करण्यात आले होते. सदर कार्यालयामध्ये धारणीतीलच धान्य व्यापाऱ्यांना हाताशी धरून शेतकऱ्यांवर आर्थिक अन्याय केल्याचे निदर्शनास आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून प्रादेशिक कार्यालय धारणी यांच्यावर गैरप्रकार केल्याचा आरोप लावण्यात आल्यानंतर संपूर्ण मेळघाटात खळबळ माजली आहे. प्राप्त माहितीनुसार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधानसभा अध्यक्ष हुकुमचंद मालवीय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार धारणी प्रादेशिक कार्यालय अंतर्गत येणाऱ्या बैरागड केंद्रामध्ये काही शेतकऱ्यांवर आर्थिक अन्याय करत आदिवासी विभागाद्वारे त्यांचा माल न घेता त्यांना 6 महिन्यानंतर माल परत घेऊन जाण्याबाबत तोंडी सांगण्यात येत आहे. सदर बाब नियमांच्या विरोधात असून याबाबत संपूर्ण चौकशी करून दोषी कर्मचारी अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे. आदिवासी विकास महामंडल की ओर से खरीफ हंगाम के लिए 2021 में यहाँ से बेलघाट में काश्तकारों का मक्का खरीदी हुआ था, जिसमें 7-8 सेंटर आते हैं. उसमें एक बैरागढ़ सेंटर है, तो वहाँ पर काफ़ी अनियमितताएँ पाई गई है. वहाँ पर कुछ काश्तकारों से मक्का खरीदने के बाद में पावती दी गई है और आज की मौजूदा पोजिशन में लगभग 1000 क्विंटल के आसपास के काश्तकारों को बोला जा रहा है कि आप अपना मक्का वापस लेके जाओ. काश्तकार काम में 7-12 देने के बाद में उसकी ड्यूटी खत्म हो जाती है. वो ऑनलाइन हुआ नहीं हुआ, लाड गिरा नहीं गिरा, वो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है. ये ऐसी अनियमितता होने के पीछे का कारण कुछ समझ में नहीं आया, जिसके मैंने जिलाधिकारी को, यहाँ के SDM को, आदिवासी विकास महामंडल में समय समय पर तकरार भी किया हूँ. काश्तकारों का हित के लिए अगर आवश्यकता पड़ी तो ये इन्होंने अगर डिपार्टमेंटल जिम्मेदार अधिकारी को निलंबन वगैरह और जो मक्का वापस लेके जाओ, जो भाव की तफावत है काश्तकारों को अगर उन्होंने नहीं दिए, संबंधित कर्मचारी से अधिकारी से रिकवरी करके, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मेलघाट में आंदोलन छेड़ देगी, जिसका जिम्मेदार सर्वस्वी शासन रहेगा. तस्मिन शेख सुलेमान मेमन सह जुगल किशोर जायसवाल, विदर्भ न्यूज, धारणी.